बाय डेफिनेशन। अच्छा देखिए, बाय डेफिनेशन हमारे हमें जो सिंपल कॉमन पेयर्स पता होना चाहिए कि यूनिट स्टेप का 1/s होता है, e रेज पावर -at का 1/s + a होता है, साइन ओमेगा का ऊपर ओमेगा नीचे एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, कॉस का एस डिवाइडेड बाय एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर। इसी तरह -at आ जाए तो एस प्लस ए, एस की जगह एस प्लस ए लिख देते हैं, साइन में एस प्लस ए लिख देते हैं, ठीक है। टी रेज पावर एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज पावर एन प्लस वन, ठीक है। इसी तरह यूनिट इंपल्स हो तो उसका लैप्लास 1 होता। तो अब ये देखें 5 डिवाइडेड बाय एस है, ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप है यानी कि सिंपल कांस्टेंट है, सिंपली 5 आ गया। इसी तरह देखें ये 1/s² है तो इसका मतलब है ये क्या चीज है, ऊपर 1/s², 1/s² क्या है, टी है, टी है ना, 1/s + 3 है तो ये e रेस्ट पावर -3t। बाय डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, टेबल को देख के डायरेक्ट बता देते हैं। एक अगला देखें, देखें ये है जी s² + ω² नीचे लिखा हुआ है ना, ओमेगा स्केयर की क्या वैल्यू है, 100। 100 किसका स्केयर होता है, 10 का। देखें ऊपर हम s तो बना नहीं सकते, हम ओमेगा ही बना देते हैं, तो 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जब मल्टीप्लाई किया तो अंदर 10 आ गया तो बाहर क्या रह जाएगा, 20 रह जाएगा ना। अब ये बन गया ओमेगा डिवाइडेड बाय s² + ω² ओमेगा और s² + ω² किसका होता है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ओमेगा की जगह क्या है, 10 ना।